ये देखिए तरबूज छिलके की टूटी फूटी बन के तैयार हो गई है। तो आप इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए, काफ़ी टाइम तक ख़राब नहीं होती है। तो आप इससे आइसक्रीम है, केक है, कोई मिठाई बना रही हूँ उसमें इसका यूज़ कर सकती हैं। तो इससे पहले ही मैंने तरबूज छिलके की कई रेसिपी शेयर की अपने चैनल पर, तो उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप चाहें तो उसे भी देख सकती हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। हेलो दोस्तों, काव्या किचन में आपका स्वागत है। आज हम जो तरबूज के छिलके हैं इनसे हम टूटी फ्रूटी तैयार करेंगे। तो ये बहुत जल्दी बहुत आसानी से बन जाती है। तो सबसे पहले हम इसको छील लेंगे। ये हम इस चाकू हमने ले लिया है, तो इस टाइप से हम इसे छील लेंगे। तो बहुत आसानी से छील जाएंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसे छीलने में। ये देखिए, तो इस टाइप से हम छील ले रहे हैं पहले। हमने इस टाइप से छील लिए हैं, तो इसको हम छोटे छोटे पीस में कट कर लेंगे। तो इसके पीस हम कटर टाइप से कटर हमारे पास में, तो इस पर हम इस रखेंगे। ये ऐसे हम हल्का सा पुश करेंगे, ये देखिए। तो इस टाइप से छोटे छोटे ये कट जाएंगे। तो इन्हें हम पहले इस टाइप से कट कर ले रहे हैं। सारे तरबूज के हमने जो छिलके थे इनको कट कर लिया है। ये बहुत आसानी से कटा से कट हो जाते हैं। गोने में हमने पानी ले लिया, तो इसमें हमने जो ये तरबूज के छिलके कट किए इनको डाल करके और हम बॉईल कर लेंगे, थोड़ा सॉफ्ट कर लेंगे ताकि इसका कच्चापन दूर हो जाए। तभी 5 मिनट के करीब इसे बॉईल करना है। देखिए ये तरबूज छिलके अच्छे से बॉईल हो गए हैं, तो इनको हमने 7 मिनट के लिए बॉईल किया है। तब इसका हम पानी छान देंगे। हमने एक कटोरी के करीब चीनी लिए हैं, तो ये एक कटोरी, छोटी कटोरी से 2 कटोरी है, बड़ी कटोरी से 1 कटोरी चीनी है ये। तो इसमें हम ये छोटा 1 गिलास पानी डाल देंगे और इसकी हम चाशनी तैयार। चाशनी के इसको चीनी जब तक घुल नहीं जा रही तब तक हमें इसे पका लेना है। चीनी अच्छे से मेल्ट हो गई है, तो इसमें हमने जो तरबूज के जो हमने छिलके कट करके वो बॉईल किए थे इसको डाल देंगे और इसको हम 5 मिनट लिए अच्छे से पका लेंगे ताकि इसमें जो तरबूज के छिलके में अच्छे से मिठास आ जाए। तो हाई फ्लेम पर ही हम इसे 5 मिनट के लिए पका लेंगे। यूँ ही 5 मिनट हो गए हमें इसे पकाते हुए, तो अच्छे से इसमें चाशनी मतलब जा चुकी है और अच्छे से मीठे भी हो गए हैं। तब हम गैस की फ्लेम ऑफ करेंगे। हमने 3 जगह अलग अलग कर लिया है, तब इनमें हम एक कलर मिक्स करेंगे। तो इसमें हम ये ग्रीन कलर ऐड कर रहे हैं, 1 पिंच के करीब ही हम ऐड करेंगे, ज़्यादा नहीं ऐड करेंगे। इसको हम मिक्स कर रेड कलर ऐड करेंगे, इसको हम मिक्स करेंगे और एक में हम ये ऑरेंज फूड कलर ऐड करेंगे। इन्हों हमने मिक्स कर दिया, तो इसको अब हम छान लेंगे क्योंकि इसका हमें जो चाशनी है नहीं चाहिए। तो इसको हम इस टाइप से एक जाली टाइप में लेंगे, इसमें हम छान देंगे ताकि इसका जो जितना भी चाशनी है वो अच्छे से छन जाए। तो इसमें हम इस टाइप से करके छान के अलग अलग रख देंगे। और जो इसकी चाशनी है इसको हम फेंकेंगे नहीं, इसमें हम कोई भी इस शरबत वगैरह में इसको हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस टाइप से हम तीनों को छान के अलग अलग रख दे रहे हैं ताकि की जो चाशनी थी अच्छे से छन गई है। तो इसको हमने थाली में अलग अलग करके रख दिया है। तो अब इसको हम पंखे के नीचे रख देंगे, तो 4 से 6 घंटे लगेंगे, सूख जाएंगे। नहीं आप चाहें तो इसे धूप में भी सुखा सकती हैं। तो सूखने के बाद आप इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए। और जब तरबूज के छिलके की टूटी फ्रूटी बन के तैयार हो गई है, तो आप इसे किसी भी एयरटाइट डिब्बे में भर के रख दीजिए। और जब भी आप केक बना रही हैं या कुछ और भी बना रही हैं जिसमें आप टूटी फ्रूटी डालना चाहती हैं, आइसक्रीम बना रही हैं, तो उसमें भी आप इसे यूज़ कर सकती हैं। तो आप इसे एक बार ज़रूर ट्राई करिए।